पाकिस्तान के अंदर की अस्थिरता के बाद अब बात पाकिस्तान की उस नीयत की जिससे वो कभी बाज नहीं आता। दुनिया जानती है कि पठानकोट हमले को पाकिस्तान के अंदर सक्रिय आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया, पर बावजूद इसके पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। अब पाकिस्तान और भारत की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट हमले के सबूत जुटा रही है ताकि सच सामने आ सके। लाहौर में हुई क्रूरता को दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी तालिबान ने ईस्टर मना रहे ईसाइयों को अपना निशाना बनाया, लेकिन सवाल है कि क्या एक और दर्दनाक आतंकी वारदात के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के नजरिए में बदलाव आएगा? भारत के विरोध में आतंकवाद पर आंख मूंद लेने वाले पाकिस्तान को क्या इससे सबक मिलेगा? ये सवाल तब और ज्यादा अहम हो जाते हैं जब पठानकोट हमले की जांच के मद्देनजर पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत में मौजूद है। There is no permission granted for the joint inspection team to visit the airbase. We have specifically refused the permission for them to go anywhere in the airbase. However, an area where actual crime scene has taken place, किसको वहां लेके जाना है, कौन वो जांच करेगा, इज डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। पठानकोट हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के कई पुख्ता सबूत भारत ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन अब तक जैश सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान में लगाम नहीं लगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी NIA के सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मसूद अजहर पठानकोट हमले से पहले जैश के कमांडर और अपने भाई रऊफ असगर के साथ संपर्क में था। रऊफ हमले के हैंडलर कासिर जान के साथ संपर्क में था। कासिर जान लगातार बहावलपुर में बैठकर पठानकोट में मौजूद आतंकियों को निर्देश दे रहा था, और ऐसे में भारत पाकिस्तान से मसूद अजहर के वॉइस सैंपल की मांग भी कर सकता है। लेकिन सवाल कि क्या पाकिस्तान भारत से मिले सबूतों को इनकार कर सकेगा? जब पाकिस्तान द्वारा आज तक भारत सरकार को लेटर रोगेटरी ना जारी किया गया हो, ये अपने आप में पूरी प्रक्रिया के औचित्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े और उस पर समझौते के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है। देखना चाहिए कि NIA क्या पाकिस्तानी टीम के साथ डिस्कस करता है, उनको क्या सबूत देते हैं। वैसे भी ये पठानकोट आतंकवादी हमले पर केंद्रित है और पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो मदद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई हो। भारत यही चाहता है, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। पाकिस्तान ने अब तक आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है, कार्रवाई नहीं की है। 2008 के मुंबई हमले में लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद की साजिश के पुख्ता सबूत हैं। हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अफसरों की मिली भगत के भी सबूत हैं। भारत ने पाकिस्तान को हमले के सबूतों के कई डॉजियर भी दिए। पाकिस्तान की न्यायिक जांच आयोग की टीम तक भारत आई थी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान सिर्फ ढोंग करता है। हाफिज मसूद अजहर जैसे आतंकी तो पाकिस्तान में संरक्षण पाते ही रहे, बल्कि दाऊद इब्राहिम जैसे भारत के मोस्ट वांटेड की भी पाकिस्तान ने कोई खबर नहीं दी, जबकि उसके सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे गए। सवाल है कि आतंक के खिलाफ सिर्फ एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? पर सवाल है कि आखिर बातों से क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बातों मुलाकातों के कई दौर के बावजूद भी आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंटरनेशनल डेस्क, India 24/7। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने US विजिट कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार को लाहौर में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान में बने हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन PM के विशेष सहायक सैयद तारिक फतेमी की अगुवाई में पाक डेलीगेशन सम्मेलन में हिस्सा लेगा। नवाज को वाशिंगटन में 31 मार्च और 1 अप्रैल को होने वाली न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में शामिल होना था। यहां मोदी और नवाज के बीच मीटिंग होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। रेडियो
पाकिस्तान के मुताबिक नवाज ने ट्वीट कर इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और इससे पहले सोमवार दोपहर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन विकास स्वरूप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के बीच मीटिंग होने की उम्मीद जताई थी। ब्रसेल्स में आतंकी हमले के बाद से लापता चल रहे इन्फोसिस के कर्मचारी राघवेंद्रन गणेशन की मौत की पुष्टि हो गई है। बेल्जियम में भारतीय दूतावास ने राघवेंद्र की मौत की पुष्टि की है। ब्रसेल्स में 22 मार्च को एयरपोर्ट और मेट्रो में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए टिकट की दौड़ में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को करारा झटका लगा है। शनिवार को हुए हवाई अलास्का और वॉशिंगटन तीनों राज्यों के कॉकस में बर्नी सैंडर्स ने उन्हें शिकस्त दी है। इस हार से अब तक प्राइमरी इलेक्शंस में काफी आगे चल रही हिलेरी क्लिंटन की जीत का सिलसिला धीमा हो गया है। बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनियों के घर वॉशिंगटन में हिलेरी के हारने की उम्मीद नहीं थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉकस में 74 साल के सैंडर्स को वॉशिंगटन में 72% से ज्यादा वोट मिले, जबकि अलास्का में उन्हें 80% से ज्यादा वोट मिले। वॉशिंगटन कॉकस में 101, अलास्का में 16 और हवाई में यहां पर 25 डेलीगेट्स थे। हवाई में पहले हिंदू सांसद तुलसी गैबार्ड का समर्थन भी सैंडर्स को हासिल था। गैबार्ड ने वर्मोंट के सेनेटर सैंडर्स का समर्थन करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े पद से इस्तीफा दिया था। सैंडर्स पिछले मंगलवार को इडाहो और उटाह में जीते थे, लेकिन हिलेरी क्लिंटन अब भी डेलीगेट्स के हिसाब से आगे हैं, लेकिन इस हार से अब उनकी बढ़त कम हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।